पप्पू हुई आवाज जमकर चले लाठी डंडे, कई राउंड फायरिंग और चले ईंट पत्थर और गोलियां, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने संभाला मोर्चा। सीओ मैताली में पुलिस फोर्स के साथ भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे। नीमगांव थाना क्षेत्र की बिगड़ी रही कानून व्यवस्था। थाना नीमगांव क्षेत्र के लखवा गांव की घटना, अभी दो दिन पूर्व इसी थाना क्षेत्र के गांव में एक प्रेमी युवक की कर दी गई पीट पीट कर हत्या। नीमगांव थाना क्षेत्र में एक प्रकरण आया गोली चलने का, क्या है पूरा मामला? ये गांव ग्राम लखा का नीमगांव की घटना है। आज यहां पर दो पक्षों के अंदर विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ था और यहाँ पर तत्काल इसकी जानकारी जैसे पुलिस को बोली, SHO नीमगांव सीओ साहब तत्काल मौके पर आए और कुछ लोगों जो उधर पर रहे थे कुछ लोगों को उसमें लेकर हिरासत में लिया गया, उनसे जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में तहरीर मिलने पर सुसंगत धारा मुकदमे की कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं? अभी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिया गया है और उनसे अभी जानकारी की जा रही है घटना का कारण क्या है। सर किसने कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? अभी उसकी जानकारी की जा रही है। बिल्कुल सर, असल है भी कुछ बरामद है क्या? अभी अभी सर्च अभियान चल रहा है, बिल्कुल सीओ साहब के नेतृत्व में सर्च अभियान चल रहा है और बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई करेंगे।